गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, आज हम और एक पार्ट लेंगे। उसका नाम है कौन अधिक ताकतवर। बच्चों ये रिवीजन है, मैं पार्ट पढ़कर प्रश्नोत्तर देती हूँ। वैसे ही आप घर में दो बार पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर और एक बार लिखना है, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है, इसीलिए ये हम रिवीजन ले रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते हैं वैसे आपको घर में पढ़ना है और प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है। तो हमारा पाठवा 12वां पाठ कौन अधिक ताकतवर, पान नंबर 34। ओके, गर्मी के दिन थे, जैसे कि अभी गर्मी के दिन है ना, वैसे ही गर्मी के दिन थे। अचानक सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। बहस यानी वाद विवाद या झगड़ा। सूरज और हवा किसके बीच? सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज लाल पीला हो गया। उसने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। फैसला करने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। इन दोनों के झगड़े से यहाँ फैसला कौन करना है वो उनसे उन्हें नहीं दिखाई दिया। अचानक हवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। हवा ने सूरज से कहा जो इस आदमी का कोट उतरवाएगा वही होगा अधिक बलवान। सूरज हवा की बात मान गया। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गए। जब हवा ने जोर लगाया तब आदमी की टोपी उड़ गई। उसने अपना कोट शरीर दोनों हाथों से लपेट रखा। कोट के बटन भी बंद कर दिए। हवा और जोर से चली, पर आदमी ने कोट नहीं उतारा। अब हवा थक गई। अब सूरज की बारी थी। वह जोर से तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जैसे जैसे सूरज तपने लगा उस आदमी ने क्या किया, कोट के बटन खोल दिए। आदमी गर्मी सहन न कर पाया। उसने कोट उतार के हाथ में पकड़ा। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा मान गई और सूरज को नमस्कार करके बोली। तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो, तुम जीत गए और मैं हार गई। हवा ने क्या कहा सूरज से कि तुम अधिक ताकतवर हो, तुम जीत गए और मैं हार गई, ठीक है। तो ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ बच्चों। तो यहाँ देखा कि कौन अधिक ताकतवर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज अधिक ताकतवर है। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। सुखद यानी क्या? आरामदायक। ताकतवर यानी बलवान। बहस यानी वाद विवाद। फैसला यानी निर्णय। तपना यानी गर्म होना, ठीक है। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अचानक सूरज और हवा के बीच क्या हो गई? बहस। बहस यानी वाद विवाद। बहस छिड़ गई। सूरज कैसे हो गया? सूरज लाल पीला हो गया। सूरज लाल पीला हो गया। दोनों अपनी अपनी
क्या दिखाने लगे? दोनों अपनी अपनी ताकत, दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गए। तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो। किसने यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? ताकतवर। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवा और सूरज में कौन सी बहस छिड़ गई? कौन सी बहस छिड़ गई कि कौन अधिक ताकतवर? इस वजह से सूरज और हवा के बीच में बहस छिड़ गई। हवा ने अपनी ताकत कैसे दिखाई? हवा ने जोर लगाया तो उस आदमी की टोपी उड़ गई और उसने अपना कोट शरीर पर दोनों हाथों से लपेट रखा, कोट के बटन भी बंद कर दिए। इस तरह हवा जोर जोर से बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने कोट नहीं उतारा। इस तरह हवा ने अपनी ताकत दिखाई। सूरज ने आदमी का कोट कैसे उतरवाया? सूरज क्या करने लगा? वो जोर जोर से तपने लगा और उस आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी गर्मी सहन न पाया और उसने कोट उतार दिया। अंत में सूरज की जीत हो गई। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। किसने किसे कहा? हवा ने सूरज से कहा। मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। किसने किसे कहा? सूरज ने हवा से कहा। देखी मेरी ताकत? किसने किसे कहा? सूरज ने हवा से कहा। तुम जीत गए और मैं हार गई। किसने किसे कहा? हवा ने सूरज से कहा। ओके, तो बच्चों अब हम दूसरे पार्ट की भी हमने आज रिवीजन कर लिए हैं। तो आपको पार्ट पढ़ना है और प्रश्नोत्तर और एक बार लिखना है, ठीक है? तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।